सर आज आप ये कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कौन लोग कर रहे हैं? जी बहुत ही खुशी का लम्हा है क्योंकि ये रेलपाल प्रीमियर लीग फुटबॉल का या जो रफायाम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें तमाम नौजवान तमाम इमरान जो रफायाम के हैं उनका ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है गेम को फुटबॉल को आगे बढ़ाने का और मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं सभी इमरान क्योंकि ये ऐसी क्लब है जहाँ पे मैं एक दो बंदे का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सभी बंदे एक टीम की तरह काम करते हैं सभी यूनाइटेड हैं लेकिन एज ए सीनियर तौर पर जावदीन गुड्डू विक्की हमारे सज्जाद भाई तमाम ऐसे नौजवान जो कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए पहला इनिशिएटिव पहला मौका है जो हम लोग रेल पर प्रीमियर लीग फुटबॉल में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और सबसे पहले मुबारकबाद सभी हमारे ओनर्स को जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इस खेल को कामयाब बनाने के लिए ये सर ये ऑक्शन का टर्म कंडीशन क्या है? देखिए ऑक्शन ये तो आप जानते हैं कि रेल पार्क में कहीं ना कहीं टैलेंट भरा पड़ा है लेकिन सोर्सेज की कमी है। ऑप्शन भले ही हमारा लिमिट कम हो भले ही हमारा अमाउंट कम हो लेकिन एक ऑप्शन का मजा बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल को मिलने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे सभी टीम के पास 3000 पॉकेट मनी है 7 खिलाड़ी इनको लेने हैं 7 खिलाड़ी में 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि लोकल उनको लेने होंगे जिसमें 3 कैटेगरीज बांटी गई है मेटल्स सिल्वर्स एंड गोल्डन। और सर कौन कौन टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? टीम में काफी अच्छी टीम है आरएम स्टार है जेड इंटरप्राइजेस है अमन एफसी है आपके खान ब्रदर्स हैं अमन टॉयज है यूएनजे है बंगाल ट्रेडर्स है और जेड इंटरप्राइजेस है ये टोटल 8 टीमें हैं। सर आप तो बहुत सारे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि यहाँ किस प्लेयर पे ज्यादा दाम लग सकता है ज्यादा डिमांड है कुछ प्लेयर का? काफी अच्छे टैलेंट्स हैं मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोकल में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जैसे कि हमारे बाहर के अन्ना ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है बिट्टू का भी नाम है शाहरुख है यहाँ पे और कई ऐसे खिलाड़ी हैं छोटका का भी नाम शायद इसमें है तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अभी राइजिंग स्टार हैं रेल पार्क के और कभी अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जहाँ पे ओनर्स की निगाह रहेगी उनको खरीदने की। सर ये है कि एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखिए हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आप जब तक अपने आप में हम लोग जानते हैं कि आज जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सबसे पहला अहम चीज़ होता है फिटनेस हार्ड वर्क डेडिकेशन और फुटबॉल में आप जानते हैं ये मेंटली और फिजिकली गेम है दोनों ही में फिट होना बहुत जरूरी होता है तो हम चाहेंगे कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये 3 चीजों आपको मुकम्मल करनी होगी हार्ड वर्क डेडिकेशन और फिटनेस पे ध्यान देना होगा। सर ये कांसेप्ट कैसा है आप लोगों को मन में कितना अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए? इसका सोचिए कि अगर कोई टूर्नामेंट या कोई प्लेयर आगे बढ़ता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना और रेल पार्क का नाम को आगे बढ़ाना यही कंसेप्ट को आगे चलते हुए हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट आगे क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे और रेल पार्क का कोई प्लेयर उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं ये एक छोटी सी कोशिश है रेल पार्क प्रीमियर लीग का तो हम सब चाहेंगे एज ए ओनर एज ए आज के ऑप्शनर हमें आज के एंकरिंग हमें तो पहले तो एक छोटी सी हल्की क्लैपिंग रफायाम के लिए होनी चाहिए क्योंकि रेल पार्क प्रीमियर लीग को कामयाब बनाने में जो इन्होंने संकल्प लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। दूसरी बात पहली दफा है इसलिए जरूरी होता है कि जब बच्चा नया नया कोई चीज बड़े कदम उठाता है या कहीं जितने भी मंजिल की ओर आप जितनी भी दूर हो लेकिन कदम जो है उसको तय करने के लिए पहला कदम को बढ़ाना ही पड़ता है तो बिल्कुल उसी तरह से मंजिल तो काफी दूर है लेकिन पहला कदम रफायाम बढ़ा चुकी है रफायाम के पूरे जो कि मेटल कैटेगरी में रखा गया है उसके बाद 100 से शुरू है जो कि सिल्वर एंड गोल्डन में रखा गया है। आप लोगों को जो सबसे अहम बात है आप जब भी ऑक्शन में टीम को चुने तो आपको ध्यान रखना है कि 3000 रुपीज में आपको 7 खिलाड़ी को चुनाव करना है दैट मीन्स आपके पास कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि मेरे पास पॉकेट मनी कितना है हम कैसे बेहतर प्लेयर अपने टीम में ला सके और सबसे अहम और जरूरी ये चीज है कि बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है कि तीन खिलाड़ी आपको टीम में ऐसे रखने होंगे जो कि लोकल को बिलोंग्स करते हैं ठीक है दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द लोकल टीम्स लोकल एरिया दैट मीन्स रफायाम ओके रोड बहुत ऐसे नौजवान लड़के हैं जो कि फुटबॉल अच्छा टैलेंट है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं दे पाते तो रेल पार्क प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड करता है जहां पे खिलाड़ी अपने टैलेंट को साबित कर सके। तो ये अच्छा इंस्टीट्यूट तैयार है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमेशा चाहें कि इस तरह से आप ऑप्शन करें, इसमें स्टैंडर्ड लेवल और बेहतर हो सकता है। चलिए एजाज अहमद, नो वन इंटरेस्टेड, पहला कॉल मिला है 50 रुपीज का, परवीन स्टील की तरफ से एक 50 फॉर एजाज अहमद टू, तो 50 फॉर एजाज अहमद टू, 50 फॉर एजाज अहमद टू, एनीवन अदर इंटरेस्टेड इन एजाज अहमद, नो, 52 53 सोल्ड, एजाज अहमद सोल्ड टू परवीन स्टील, इनाम 50